गाइज एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। मैं हूं आपका विशाल सर, विशाल कुमार जायसवाल। गाइज आज का दिन जो है वो बहुत खास होने वाला है बिकॉज नीट वाले बच्चे और कंपार्टमेंट दोनों ही जो स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए आज सुनवाई होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में। बहुत ही खास दिन है, पूरी डिटेल्स हम आपको देंगे, अंत तक आप बने रहिएगा वीडियो के। एंड प्लीज़ एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर पहली बार आप हमारे चैनल में आए हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पाने के लिए लाइव क्लासेस, लाइव सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब कीजिए हमें। गाइज कल देर रात हमने लाइव सेशन करके आपको बताने की कोशिश की थी, बताया था कि जो नीट के जो बच्चे हैं उन पे सुनवाई आज दोपहर 1:30 बजे होगा, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से वो लाइव सेशन प्रॉपर वे में कंप्लीट नहीं हो पाया। नो इश्यूज़, हम आपको फिर से अपडेट दे रहे हैं। गाइज बहुत बड़ी बात होने वाली है आज, क्योंकि आज बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स कुछ आ सकता है, क्योंकि पर डे जो अब केसेस जा रहे हैं इंडिया में कोविड 19 के वो हैं 82,000 प्लस। मतलब एक दिन में ऑलमोस्ट 1,00,000 का केस जा रहा है, काफ़ी कुछ निकल करके आएगा। आप लोगों को याद होगा कि 6 राज्यों ने मिल करके जो रिव्यू पिटिशन डाला था उस पर आज सुनवाई होगी। 3 जजेस के बेंच इसको सुनवाई कर रहे हैं, और क्योंकि ये रिव्यू पिटिशन है, पुनर्विचार याचिका है, तो इसको पहले वही 3 जजेस का जो बेंच है वो इसे बंद कमरे में इसे सुनवाई करेंगे, क्योंकि रिव्यू पिटिशन में यही होता है। पहले बंद कमरे में वो डिस्कशन करेंगे कि इस पर ओपन अदालत में सुनवाई करनी है या नहीं करनी है, एंड देन फिर इस पर डिस्कशन होगा। तो ये दोपहर 1:30 बजे होगा, हम आपके साथ में लगातार बने रहेंगे। साथ ही साथ कंपार्टमेंट के जो बच्चे हैं उनके लिए भी गुड न्यूज़ है कि आज उनके भी केस की सुनवाई हो सकती है, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे कुछ डेटा फिगर्स जो एडवोकेट्स होंगे उनके बहुत काम आने वाले हैं। मैं कुछ आपको डेटा फिगर्स बताना चाहूँगा कि जेई के जो बच्चे अभी तक एग्ज़ाम दे रहे हैं, हमने लगातार आप लोगों को 2 दिनों का अपडेट दिया था, अब हम 3रे दिन का भी अपडेट दे रहे हैं। जेई का जो फर्स्ट डे जो बच्चे एग्ज़ाम में अपियर हुए वो था 54.67 ओनली। इतने ही बच्चे जो हैं, कैंडिडेट्स जो हैं, वो इस जेई मेंस एग्ज़ाम 2020 के फर्स्ट डे में बैठे थे। सेकंड डे में 81% हुआ, थर्ड डे में 82% हुआ। मतलब 54.67 देन 81 सेकेंड डे, और कल यानी कि थर्ड डे को हुआ 82%। लेकिन गाइज यहाँ पे मामला यहाँ पे यही है कि तमाम सुरक्षा सब कुछ के बावजूद भी जो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो सेंटर्स हैं वहाँ पे काफ़ी सावधानी रखी जा रही है सरकार के द्वारा, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन वाइज या बाहर में सेंटर के बाहर उस जगह पर सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलोअप करवा पाना बहुत मुश्किल है, कई स्टूडेंट्स ने यही कहा है, ठीक है। तो गाइज अभी हम आपको बस इतना ही अपडेट देंगे, हम आपके साथ में लगातार बने रहेंगे और आपको हमारे साथ में लगातार बने रहना है। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा। पहली बार आए हैं चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम आपके साथ में आज दिन भर बने रहेंगे, जरूरत हुआ तो लाइव सेशन भी करेंगे, ठीक है। सो बी रेडी फॉर एवरीथिंग एंड गाइज होप फॉर द बेस्ट कि आज आपके फेवर में कुछ निकल करके आए, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना। दिस इज योर विशाल सर साइनिंग ऑफ। प्लीज स्टे काम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। जय हिंद, जय भारत।